बड़ी खबर ब्यावरा से भी है। सो माता जी से सारंगपुर तक कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान खेत सड़क यात्रा निकाली गई। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रवत सिंह खींची एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह राघोगढ़ के नेतृत्व में यात्रा का शुभारंभ भेसवा माता जी से पैदल चलकर सारंगपुर तक निकाली गई। इसी दौरान हार फूलमाला सापा पहनाकर जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया गया। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में ऐसे नारे भी लगाए। किसानों का नुकसान को लेकर, बीमा को लेकर एवं सर्वे को लेकर, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों को लेकर ऐसा आंदोलन करते रहेंगे। वर्तमान विधायक बापू सिंह तंवर एवं मोना सुस्तानी, पूर्व विधायक हेमराज जी, प्रकाश जी पुरोहित, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवी, किसान कांग्रेस राजन सिंह जी राजपूत, किसान कांग्रेस जिला महासचिव अनार सिंह सोंदिया बघेला, सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यावरा से संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। आज हमारे जिला कांग्रेस राजगढ़ के द्वारा, हमारे ब्लॉक कांग्रेस सारंगपुर के द्वारा और विशेषकर कांग्रेस पार्टी का के हर एक कार्यकर्ता और साथ में जो आम किसान सारंगपुर के हैं, राजगढ़ के हैं, आज सब मिलकर जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो या फिर जो फसल नष्ट हुई हो जिसके अभी तक सर्वे नहीं हुई है, या फिर जो बढ़ते हुए बिजली के बिल भाजपा के सरकार में आ रहे हैं, इन सब मुद्दों से आज आम जनता परेशान है, किसान परेशान है। और आप खुद देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज यहाँ सारंगपुर में किसान भाई एकत्रित हुए हैं। हम सब किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता किसान की आवाज़ उठाएंगे और फिर 2 साल बाद पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं राजधानी समाचार है। एक अभी हम चर्चा करते कमल जी गुजर यहाँ के मंच संचालक है और इनसे पूछते किस विषय में और किस उपलक्ष्य में यहाँ का प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। ये जो आज का आयोजन है ये किसानों को लेकर है। किसानों को ना तो बीमा मिला समय पर, 2 बार प्रीमियम कट चुकी है। खेत किसान सड़क पैदल यात्रा है और किसानों के सम्मान में पैदल यात्रा है, जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, रेवस सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित और विधानसभा के सभी 4 ब्लॉक अध्यक्ष सभी मौजूद है। किसानों के सम्मान में यात्रा है, किसानों के सम्मान में यात्रा है, ऐसा इनका कहना है। और मैं इनसे से पेट्रोल की कीमत और बेरोजगारी के बारे में भी ये चर्चा करना चाहता हूँ। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि वर्तमान समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 39 रुपये लीटर पेट्रोल था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को और आम जनता को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरा देश बर्बादी की ओर अग्रसर है। और आप आगे कुछ कहना चाहते हैं? बोलो बोलो, हम मंडी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सन 2003 से इस देश में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह गायों के नाम पर, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और लोगों में जगह जगह हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से पक्षपात की राजनीति तरीके से लोगों को भड़काया गया और मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की सरकार बनी थी उसे वोट तंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरा करके आज किसान मजदूर परेशान है। किसानों के फसलों के दाम सही मात्रा में नहीं दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में एक खेत किसान स्वाभिमान पदयात्रा कुछ ही समय के पश्चात इसी मंच पर माननीय प्रभारी मंत्री जी उस आम सभा को संबोधित करेंगे। हाँ, इनका कहना खेत किसान यात्रा के तहत प्रयागराज सिंह जी खींची जो पूर्व ऊर्जा मंत्री और बाबा साहब पधार रहे हैं, या थोड़ी देर में कार्यक्रम चालू होगा ना? उनकी समस्याओं के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है और हम तो एक ही बात कहते हैं कि प्रशासन होश में आओ, होश में आओ और किसानों की सुनो। बिजली की समस्या, फसल बर्बाद हो गई है, उसकी सर्वे ये सब करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.